अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सूरह बकरा आयत नंबर 213। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की तवील आयात में से एक आयत है और वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुरान पाक आंसर कर रहा है। और कुरान पाक आज मॉडर्न ज़माने के बहुत से फिलोसॉफिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली कन्फ्यूजन्स और डाउट्स इन द माइंड ऑफ माइंड्स ऑफ आर यूथ, उनको इस एक आयत में एड्रेस करा है। अब इंसान जब अपने ओरिजिन को स्टडी करता है तो हमारे पास दो मिरर्स हैं, या तो हम कुरान पाक के आईने में अपने आप अपनी हकीकत देखें, खालिक जो हमें समझा रहा है कि मेरा क्या पर्पस था ऑफ क्रिएटिंग यू, यू नो तुम्हारी वर्थ क्या है, या तो हम कुरान के लेंस से देखेंगे, या फिर हम मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू या इंसान की जो इंटेलेक्ट की जो एक काविशें हैं उनके उनके लेंस में आप अपनी हकीकत देख सकते हैं। अब जब आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट को स्टडी करते हैं तो आपको दो तीन बातें सामने आती हैं कि इंसान के ओरिजिन के बारे में मॉडर्न मैन ये समझता है कि हमारा स्टार्ट जुल्मात में हुआ, इंसान जाहिल था, इंसान ब्रहना था, कच्चा गोश्त खाता था, गारों में रहता था, उसका स्टार्ट अंधेरों में से हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम दैट एनिमलिस्टिक सेल्फ इंसान ने इवॉल्व करते करते जंगलों का रुख किया, फिर मड हाउसेस बनाए, फिर इवॉल्व होता होता आज के सिविलाइज्ड दौर तक पहुंच गया। इसी तरह मजहब के बारे में उनकी टेक ये है कि जैसे जैसे ये सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस हो रही थी तो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में लोगों ने एज अ बाय प्रोडक्ट स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर करना शुरू किया और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो इवॉल्व होके आज मजहब मुख्तलिफ मजाहिब के नाम पे लोगों में मौजूद है। ये तो यू नो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टेक है ऑन व्हाट वी आर, व्हाट्स आर वर्थ, और इस इन इन तरह के जो फिलोसफीज हैं और ये जो थेरीज हैं जो इंसान के इंटेलेक्ट ने उस इंसान के इंटेलेक्ट ने जो कुरान और हदीस से कट ऑफ है, जो हक से कट ऑफ है, जो अपने खालिक से कट ऑफ है, उसने ये चीजें बनाई। और फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं, सूरह इनाम की आयत नंबर 116 है, वइन तुति अक्सरा मन फिल अर्द, और अगर आप इत्तबा करें जमीन में अक्सर लोगों की, युद्दिल्लू का अंत सबीलल्ला, तो वो जो सीधा रास्ता अल्लाह ने बनाया है उससे वो आपको गुमराह कर देंगे। और क्यों गुमराह कर देंगे, इन यत्तबिऊना, क्योंकि वो खुद इत्तबा कर रहे हैं, इल्लज़न्ना, सिर्फ अपने गुमान की, इनके ये सिर्फ ख्यालात हैं, ये सिर्फ बेअसल बातें हैं, वह इन हम इल्ला याखरुसून, और ये झूठ की पैरवी करते हैं, क्यास की बातों की पैरवी करते हैं। फिर अल्लाह ताला 119th आयत ऑफ द सेम सूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन्ना कसीरन लयुदिल्लूना बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, और ये यकीनी बात है कि बहुत से लोग अपने सिर्फ ये ख्वाहिश नफ्स, ये सिर्फ इनकी अपनी लाइकिंग्स हैं, ये इनके अपने दिमाग के फतूर हैं जिन पे बगैर इल्म के ये गुमराह करते भी हैं और गुमराह होते भी हैं। सो ये जो वर्ल्डली थेरीज और फिलोसफीज हैं, दे आर जस्ट देयर टू मेस अप विद आवर हेड। अब जब आप कुरान हकीम की आईने में देखते हैं अपनी वर्थ को, तो आपको समझ आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने बनी आदम को इज्जत दी, ये सारी कायनात मैंने अपने खलीफा के लिए बनाई, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मेरा एक आरिफ हो, फिर मैंने अपना खलीफा बनाया और उसको इतनी इज्जत और इकराम दी कि मलाइका से उसको इकरामन सजदा करवाया। और ये सजदा भी इट्स नॉट जस्ट द ह्यूमन बॉडी जिसको सजदा किया गया, जब अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इसमें अपना नूर फूंकूंगा तो फिर इस एंटिटी को तुमने सजदा करना है, बिकॉज बेसिकली हमारी वर्थ कहाँ से आ रही है, उस असल से जो अल्लाह ने अपने अमर में से अपने नूर में से हमें फूंका। और फिर सिर्फ अल्लाह ताला ने अपना नूर नहीं हमें अता किया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुद अपने असमा की मार्फत भी अता फरमाई, वो सिखाया जो और किसी को इल्म नहीं दिया, सुभान अल्लाह। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए
और इंसानियत का आगाज हुआ तो कायनात ने देखा कि बनी आदम मोस्ट सिविलाइज्ड अल्लाह के नूर के साथ चलते फिरते हुए बीइंग्स हैं, और उनका ये शर्फ, उनका ये हक बनता था कि कायनात उनके सामने सबसर्वियंट हो, क्योंकि ये खलीफतुल्लाह है। तो इतना इज्जत और इकराम है जब आप कुरान के आईना में अपनी वर्थ को और अपनी असल को देखते हैं, और जब आप दुनिया के इन फलसफियों की तरफ देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ये क्यों स्लोगन्स बनाते हैं जहाँ पे ये अपने आप को कहते हैं हम सोशल एनिमल हैं, और ये क्यों कहते हैं कि हमारे अंदर हवस भी है एंड इट्स ओके टू हैव इट बिकॉज यू नो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर कोलैटरल डैमेज जैसे इतने खौफनाक, ये इंसान कैसे नज़रियात बना लेता है? बिकॉज वो अपनी वर्थ को ही नहीं समझता, वो तो अपने आप को एक जानवरों की तरह यू नो नेचुरल एक्सीडेंट के तौर पे इवॉल्व होता हुआ एक बीइंग समझ रहा है। अल्लाह सुभानहू फरमा रहे हैं कान नासु उम्मतं वाहिदा, बेशक इंसानियत सारी की सारी एक उम्मत वाहिदा है, वाहिदा थे, यानी कि इंसानियत का आगाज जो था वो वाहदत में, यूनिटी में हुआ था। इंसान सारे के सारे एट द स्टार्ट सब तौहीदी रंग वाले थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक हमें पता है कि तौहीद प्रिवेल्ड। ये तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, फिर शिर्क, शैतान ने जो है शिर्क की तरफ इंसानियत को वर्गलाना शुरू किया और इख्तलाफात ने जन्म लिया। अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऑल ह्यूमैनिटी वाज वन सिंगल नेशन, अब उम्मत क्या है? कुरान पाक में देखें तो जो इसका रूट वर्ड है उसी से वर्ड उम्मा भी निकला है, अमामा जो व्हाट इज बिफोर अस, इमाम द गाइड लीडर, एंड उम्मत मीनिंग अ कम्युनिटी पीपल नेशन। सो उम्मत के अंदर जब आप फोकस करते हैं तो इसका मतलब आपको समझ आता है टू हैव अ सिंगुलर फोकस, और अल्लाह सुभानहू हमें इस आयत के आगाज में समझा रहे हैं कि ओरिजिनल रेस तुम्हारी क्या है, कि सब बनु आदम था, यू वर यूनाइटेड इन योर रेस, और क्योंकि तुम यूनाइटेड थे इन योर रेस तो यू वर यूनाइटेड इन योर थॉट एज वेल। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये इल्म अल्लाह ताला की तरफ से लेके आए थे, अल्लाह ताला ने उनको फरमाया दुनिया पे भेजते हुए कि अब आप दुनिया में जा रहे हैं, याद रखिएगा ये शैतान आपका दुश्मन है, दिस इज रियलिटी नंबर वन। रियलिटी नंबर वन खैर ये कि आप मेरे खलीफा हैं, मेरा नूर है। रियलिटी नंबर टू ये कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। रियलिटी नंबर थ्री ये है कि आपको मैं ऐसे ही नहीं भेज रहा, कॉन्स्टेंट मेरी तरफ से आसमानी कुतुब आएंगी और आपकी औलाद में कॉन्स्टेंट हम अंबिया भेजते रहेंगे, रुसल भेजते रहेंगे, जो कि लोगों को कांस्टेंट अपने रब से जोड़ने का अमल चलता रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं लोगों को छोड़ दूंगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद सूरह नाम में फरमाते हैं कि आपका रब ऐसा नहीं है मोहलिकल कुरा बिज़ुल्म व अहलुहा गाफिलून, कि किसी कौम को इस हालत में हलाक कर दे कि वो लोग गाफिल थे। यानी कि हर हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने हर हर जमाने में कांस्टेंट अंबिया और रुसल और आसमानी सहीफे भेजे, हदायत के जो सोर्सेस थे दे वर नेवर क्लोज्ड। सुभान, इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक इंसान एक उम्मत वाहिदा थे, ब्रैकेट में आप लिख लें कि लेकिन जब उन्होंने इख्तलाफ किया तो फिर فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راہ پہ لانے کے لیے انبیاء بھیجے جنہوں نے ان کو بشارتیں بھی دیں اور وارننگز بھی دیں۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں آیت 19 آف سورہ یونس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، कि अल्लाह ताला ने तो इंसानियत को एक उम्मत बनाया, यानी कि फितरती हदायत अल्लाह ताला ने सबको दी, फिर इंसान ने खुद इख्तलाफात किए और दे यू नो वेंट अवे फ्रॉम द वन पाथ जो सिरात-ए-मुस्तकीम है, उससे इन्होंने फिर बहुत से रास्ते बनाए एंड दे वेंट एस्ट्रे।
का. इसी तरह सूरह शूरा में आयत नंबर 8 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलव शाअल्लाहु, अगर अल्लाह ताला चाहते ला जा लाहुम उम्मतन वाहिदतन, तो अल्लाह ताला हमेशा इंसानियत को एक ही उम्मत रखते, यानी कि ज़बरदस्ती अगर अल्लाह चाहता दीन को मसलत करना तो किसी की मजाल नहीं थी कि वो तौहीद को छोड़ता. वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, लेकिन अल्लाह ताला जिसके अंदर अपनी मोहब्बत पाते उसी को हदायत की रहमत अता फरमाते हैं. अल्लाह ताला को दीन में जबर नहीं पसंद. अल्लाह ने इंसान को इतना बड़ा मकाम अता किया, फिर उसको इख्तियार दिया, उसको अकल दी, उसको अपनी सिफात का इल्म दिया, उसको हदायत के इतने सोर्सेज दे दिए, कायनात में निशानियां इर्द गिर्द फैला दी, उसके अपने नफ्स के अंदर इतनी आयात रख दी, और फिर कहा कि अब मेरे आरिफ का ये उसका ये मकाम है कि वो खुद अपने रब तक अपने इख्तियार से अपने रब की तरफ पलटे. जब वो पलटेगा तो अल्लाह भी बहुत कदरदान है, वो भी ज़रूर हदायत देगा. तो अल्लाह ताला ने इंसान को तौफीक दी है, थोड़ा सा इख्तियार भी दिया है, लेकिन हक को इंसान पे मुसल्लत नहीं किया, बल्कि ज़ौके हक दिया है कि अपनी समात बसारत अपने फवाद को यूज़ करके हक को खुद अपनाओ, अल्लाह की रहमत की तरफ खुद आओ. अब एक मॉडर्न जो ज़माने का जो एक ग्लेरिंग किस्म का एक फितना है या एक ट्रायल है जो स्पेशली इन द यूथ वी सी टुडे इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म. दिस वाज ऑलवेज अराउंड आई गेस, बट आज ये हमें बहुत नज़र आता है, स्पेशली आज सोशल मीडिया की वजह से. यू नो एवरीबडी इज एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर हमारी जो यंगस्टर्स हैं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं एंड दे गेट एक्सपोज टू सोशियोलॉजी फिलोसफी एंथ्रोपोलॉजी. फिर हमारी यूनिवर्सिटीज में आई डोंट नो अबाउट द पीपल बिफोर अस बट आई सॉ इट यू नो इवन इन माई टाइम कि हमसे ही थोड़े सीनियर्स बाहर से PhDs MPhils करके आते थे, हमें पढ़ाते थे एंड ऑल ऑफ अ सडन क्लासेस जिनमें you know anything religious was not allowed to be discussed, we were there to study a subject, but these youngsters jo buyers se you know nay nay inspire okay pseudo intellect you know they would come into the classes and they would have debates about atheism and agnostic people and you know religious pluralism, aur bahut zyada doubts aur confusion create ho jate the dimag mein इन सोशल साइंसेस की वजह से, और आज भी ऐसा है. अब रिलीजियस प्लूरलिज्म है क्या? दिस आइडिया कि मजहबी जो सोच है ये देयर इज अ डाइवर्सिटी इन इट और सोसाइटी में दे ऑल हैव टू कोएग्जिस्ट. बेसिकली ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टीप्लिसिटी है जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी को निगेट करती है, और ये जो लोग इसके अंदर बिलीव रखते हैं और जो इसको प्रोपोगेट करते हैं वो ये बात करते हैं कि देर इज़ नो वन करेक्ट लॉजिक, यू नो. सो मुख्तलिफ फलसफी जो हैं उनकी अपनी अपनी लॉजिक है और आप किसी को भी मान सकते हैं, और जो सबसे इसका ख़तरनाक पहलू है कि इट निगेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक डिवाइन रेवोल्यूशन. सो देर इज़ दिस सोच कि हर कोई अपने अपने यू नो डोमेन में एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिविनिटी, और ऐसा ही होना चाहिए. तो आपको फिर इमर्जेंस ऑफ एथियस्ट पीपल हु डोंट बिलीव इन अल्लाह ताला या फिर एग्नोस्टिक्स आपको इवन हमारी मुस्लिम यूथ में नज़र आते हैं जो कहते हैं कि यू नो वी आर इधर डाउटफुल क्या अल्लाह है नहीं है, या हम नॉन कमिटल हैं, यू नो वी डोंट केयर, वी आर इनडिफरेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह ताला. और फिर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि हमें कैसे पता है कि हमारा मजहब भी सही मजहब है. हमने बाकी मजाहब के लोग भी देखे, इवन वो लोग जिनका कोई मजहब नहीं है, दे आर चैरिटेबल, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क. फिर यू नो हम कैसे ठेकेदार बन गए जन्नत के, सिर्फ जन्नत हमारे लिए क्यों है, ये सब आग में क्यों जाएंगे. इसी तरह ये जो आजकल इंटरफेथ टॉक्स होती हैं
देर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स कि वहाँ पे आप कॉमन ग्राउंड्स पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बैठते हैं और वो हाई मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, कंबाइंड एफर्ट करते हैं सोशल जस्टिस के बारे में. लेकिन इन महफिलों में जो जो एक देर इज दिस प्रॉब्लम इमर्जिंग कि द यूथ गेट्स टू नॉट जस्ट इंटरैक्ट. अब ये वो बच्चे हैं जो के जैसे आप कहते हैं ना कि कोरा कागज होता है, इनके ऊपर किसी की भी छाप पड़ सकती है क्योंकि इनकी अपना जो फाउंडेशन है दीन की वो बहुत वीक है. दे आर जस्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर जस्ट मुस्लिम बिकॉज देयर पेरेंट्स टोल्ड देम दैट दे आर दे नेवर प्रैक्टिस्ड इट, दे नेवर सैट विद कुरान पाक. उनको कुरान पाक उन्होंने तो कभी तर्जमा नहीं पढ़ा, समझ के पढ़ना तो दूर की बात, शायद उनके पेरेंट्स ने भी कभी नहीं पढ़ा. तो प्रॉब्लम लाइक अस कि हमें खुद मजहब के बारे में इतना नहीं पता. सो व्हेन पीपल लाइक अस दे गो टू दीज इंटरफेथ टॉक्स दे एंड अप बिकमिंग वेरी गुड फ्रेंड्स विद किड्स फ्रॉम ज्यूइश एंड क्रिश्चियन एंड हिंदू बैकग्राउंड. और फिर कुरान पाक वेरी कैटेगोरिकली स्टेट्स कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो गैर मुस्लिम को कभी अपना वली नहीं बनाता. इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते, बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारे साथ जैसे भी बात करें तुमने हमेशा अपना इखलाक मेंटेन रखना, तुमने हमेशा बहुत खूबसूरत बात करनी है. तुम्हारे साथ अगर कोई बहुत बहस कर रहा है तो तुमने उसको उसके ऊपर सलामती भेजनी है, तुमने उसको सलाम करके वहां से उठ जाना है. सो यू कैन हैव देम एज योर कॉलीग्स, आप उनसे बातचीत करें, दे कैन बी योर नेबर्स, यू ट्रीट देम वेल. वली जो है इट्स समबडी हु हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन यू, ऐसा दिल का करीब जिगरी दोस्त जिसकी महफिल में बैठ के आप उसका रंग लेते हैं, उसकी सोच आपकी सोच बन जाती है. अल्लाह ताला कहते हैं बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस. और ये एक दफा नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार इस चीज पे हमें वॉर्न करते हैं और हमें नसीहत करते हैं. अब सूरह मायदा की आयत नंबर 55 ऑनवर्ड्स अगर पढ़ें, 55 से 58 अगर आप पढ़ें, तो अल्लाह ताला बहुत प्यार से समझाते हैं इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु कि तुम्हारा वली, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. वल्लज़ीना आमनू और वो मोमिन लोग, अल्लज़ीना युकीमुना सलाता, जो सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं बल्कि वो ईमान वाले हैं जो निज़ाम सलात को यानी कि अपने अंदर रहमत का निज़ाम कायम करते हैं, अल्लाह से जुड़े हुए हैं, अल्लाह की नमाज कायम करते हैं, दे डू देयर ड्यूटी टू अल्लाह ताला, व यूतून अज़्ज़कात और ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, व मैं यतवल्लल्लाह व रसूलहू व लजीन आमनू और जो कोई अल्लाह ताला से दोस्ती करेगा और बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती करेगा और ईमान वालों से दोस्ती करेगा, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह तो वो अल्लाह ताला का ग्रुप है और अल्लाह ताला का ग्रुप ही हुमुल गालिबून, हमेशा गलबे वाले होंगे. फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल लजीन आमनू, ए मेरे मोमिन लोगो, ला तत्तखिज़ुल लजीना, कभी मत बनाना उन लोगों को अपना दोस्त, अत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबम, जो तुम्हारे दीन को मजाक और खेल कूद समझते हैं, मिनल लजीना उतुल किताबा, उन लोगों में से जो किताब दी गई, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, वल कुफारा औलिया और ना ही काफरों को अपना औलिया बनाना, वत्तकुल्लाह इनकुम तुम मोमिनीन, बल्कि अल्लाह से जुड़े रहना अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो. इसी तरह सूरह निसा में आयत नंबर 136 ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ें, तो आयत 139 में पढ़ रही हूँ कि वो लोग यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया मिन दून अल मोमिनीन, जो ईमान वालों को छोड़ के काफिरों को अपना वली बनाते हैं. और फिर आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि काफिर कौन है, हर वो इंसान जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह के मलाइका में से इवन किसी एक का भी अगर वो इनकार कर दे, अल्लाह की किताबों में से किसी एक का इनकार कर दे, अल्लाह के रसूलों में से किसी एक का इनकार कर दे, सबसे बढ़कर ये कि वो आखिरत के दिन जिस दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है, अकाउंटेबिलिटी होनी, इसका इनकार कर, ऐसे सब लोगों को कुरान पाक ही डिफाइन कर रहा है काफिर. तो अल्लाह फरमा रहे हैं एनी वन हु डजंट बिलीव इन अल्लाह
और मलाइका, हिज कुतुब, अल्लाह ताला के रुसल, और आखिरत के दिन में ऐसे किसी को तुम अगर अपना वली बनाओगे, तो अल्लाह ताला यहाँ पे सख्त बात कर रहे हैं कि ऐसे ही लोग मुनाफिक होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय्यबतगूना इंदहुमुल इज्जा, क्या तुम इसलिए उनको अपना दोस्त बना रहे हो कि उनके पास इज्जत ढूंढ रहे हो? फइन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीअ, बेशक इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के पास है, कम्प्लीटली अल्लाह के पास है। कुफर की सोबत से ईमान कमजोर हो जाता है, मुनाफकत जन्म लेती है। सो वाई वुड यू मेक यू नो योर सेल्फ सिट इन सच अ कंपनी? पहला तरह फरमाते अगली आयत कि वक़द नज़ला अलैकुम फिल किताब, अल्लाह ताला तो तुम्हारे पास ऑलरेडी किताब भेज चुका है, हदायत आ चुकी है। इफ़ यू वॉन्ट टू लुक एट योर सेल्फ वर्थ, लुक इन टू कुरान पाक। यू वॉन्ट टू फाइंड फलाह, लुक इन टू कुरान पाक। ये किताब मुबीन है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें कुल हदायत है इंसानियत के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तो किताब तुम्हारे लिए भेज चुका हूँ। अन इज़ा समय तुम आयात लाही युक फरू बेहा व युस्तहज़ाऊ बेहा, कि जब तुम सुनो इन लोगों को कि ये अल्लाह की आयात के साथ कुफर करें, कुफर का क्या मतलब है, जब आप जानते बूझते इनकार करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे लोग कुरान पाक की आयात का मजाक उड़ाएं, मलाइका के ऊपर जोक्स बनाएं, अल्लाह ताला की नाउज़ बिल्ला रसूलों के साथ बेअदबी करें। अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो भी अल्लाह की आयात का कुफर करे, उनका इनकार करे, एरोगेंटली, इग्नोरेंटली उनका मजाक उड़ाए, फला तक उदू माहुम, मत बैठो, हरगिज मत बैठो उनके साथ, उनकी महफिलों में, उनकी सोहबतों में मत बैठो। हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरे, यहाँ तक कि वो उस जाहिलाना गुफ्तगू को ख़त्म ना कर दें। इन्नकुम इज़म मिसलुहुम, क्यों अल्लाह ताला वॉर्न करें, इन्नकुम बेशक तुम इज़म मिसलुहुम उन जैसे हो जाओगे, और अगर उन जैसे हो गए उनकी सोहबत में बैठ के, इन अल्लाह जामिल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीअ, तो फिर अल्लाह ताला काफिरों के इन दोस्तों को मुनाफिक कह रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये मुनाफिक अपने इन काफिर दोस्तों के साथ अल्लाह की जुदाई की जो जगह है, अल्लाह से दूरी की जो जगह है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसके अंदर ये लोग साथ। सो व्हेन किड्स या व्हेन पीपल जिनके खुद दीन के बारे में नज़रियात जो हैं वो हेयर से हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों से सुना है कुरान में ये लिखा है, हदीस शरीफ ये कहती है, उन्होंने खुद अपने दीन को अंडरस्टैंड नहीं किया, वो सिर्फ इस वजह से मुसलमान है क्योंकि उनके माँ बाप मुसलमान है, जिस तरह हम है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड यू नो, और रिचुअल्स को हम थोड़ा सा कर लेते तो हम समझते हमने दीन समझ लिया। फिर जब इस तरह की जगहों पे हम बैठते हैं और जब ये इंटरफेथ टॉक्स होती हैं, तो वहाँ पे अगला जो आया उसको दे हैव वेरी वेरी फर्म कोर बिलीफ यू नो, और वो हमसे अपोजिंग होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे यहूद है वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, ईसाई है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, और मुसलमान है वो इन दोनों को इज्जत देता है, इन दोनों को वो यू नो ये हमारे अम्बिया हैं, हमने इनके ऊपर ईमान लाना है, लेकिन हम उनको अल्लाह का नबी और अब्द कहते हैं और इसी पे हमारा ईमान लाना फर्ज है। सो वेरी वेरी मच कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। और फिर हमारे लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। तो यू नो वी आर नॉट ऑल एक्चुअली ऑन द सेम पेज, स्पेशली रिगार्डिंग आर व्यूज अबाउट आखरा। और ये सिर्फ हम नहीं है, जैसा बच्चों के सामने इस तरह के क्वेश्चन रखे जाते हैं कि वाई डज योर रिलीजन से कि सिर्फ मुसलमान होगे, कुरान पढ़ोगे, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानोगे, उनकी रसालत पर ईमान लाओगे तो तुम जन्नत में जाओगे, यू नो हम तो ऐसे नहीं कहते, हालांकि ये गलत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, यहूद कहते हैं, और हम ये आयात पढ़ के आए कि यहूद कहते हैं कि तुम अगर यहूदी होगे तो जन्नत में जाओगे, क्योंकि वी आर द चोजन वंस, आज भी ऐसा ही है यू नो। और इसी तरह क्रिश्चियंस वो कहते हैं कि यू नो ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ु बिल्लाह ही इज वन ऑफ द थ्री जो ट्रिनिटी में बिलीव करते हैं, वरना वो कहते हैं कि यू नो ही इज आर सेवियर एंड यू नो वो अल्लाह ताला के बेटे हैं नाउज़ु बिल्लाह, और जो उनको मानेगा सिर्फ उसके लिए जन्नत है। सो एवरी वन हैज यू नो द सेम बिलीफ फॉर देयर दीन। और दूसरी बात ये कि
अगर जितना कुछ मजाहब हैं देर ऑल अबाउट लव एंड यू नो नॉट पनिशिंग एनी वन, तो फिर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि इज नो वन गोइंग टू गो टू हेल, देन हेल शुड नॉट इवन एग्जिस्ट, यू नो. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द हकीकत ऑफ वाई अल्लाह ताला क्रिएटेड जहन्नम, इसका पर्पस क्या है, एंड वी कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस इफ वी रीड कुरान पाक. और इसी तरह अब हमारे पास आजकल यू नो जो एक इवन मीडिया में जो हमें एक चीज बहुत ब्लेटेंट एक अटैक ऑन आर दीन या ऑन एनीवन जो अल्लाह पे और अंबिया पे बिलीफ रखता है, एक कॉन्सेप्ट है कि यू नो जिसका कहा जाता है वेस्ट में वी आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, और उसको अगर थोड़ा सा आप इस्लामिक रंग देना चाहें कि हम सब अल्लाह का कुंबा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं. हमें समझाया ये गया कि हम सारे अपने रब का कुंबा है, यू नो वी वी हैव टू बी वेरी मर्सीफुल, वी हैव टू बी वेरी ग्रेशियस टूवर्ड्स वन अनदर, हमने इंसानियत का ख्याल रखना है. इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो फिर आपको इस तरह की बात मिलती है कि लेट्स फोकस ऑन गॉड्स मर्सी ओनली, लेट्स नॉट टॉक अबाउट जहाद, लेट्स नॉट टॉक अबाउट किलिंग पीपल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पुटिंग पीपल इन हेल्प फायर, हु आर वी टू जज पीपल लाइक दैट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पनिशमेंट. और जब हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, और वो तो हम में से बहुत से लोग मानते हैं, यू नो एंड इवन पीपल हु डोंट बिलीव इन हिम, एज लॉन्ग एज दे आर मर्सीफुल टूवर्ड्स अदर, तो क्या फर्क पड़ता है, यू नो वी आर ऑल हेयर फॉर द लव ऑफ अल्लाह ताला, एंड इवन पीपल हु आर नॉट हेयर फॉर यू नो हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, दे आर हेयर फॉर द लव ऑफ ह्यूमैनिटी. तो फिर हम सब एक ही हो गए. और जितने डिफरेंसेस हैं मजहब में वो कहाँ से आ रहे हैं, इन रिलीजियस फिगर्स की तरफ से आ रहे हैं जिनको हम अल्लाह के रसूल और अंबिया कहते हैं. सो लेट्स जस्ट टेक देम आउट ऑफ द इक्वेशन, सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं और ये अंबिया और रसूल और ये किताबें और ये जो निज़ाम की बात हो रही है और ये जो दीन की बात हो रही है इसको साइड पर कह देते हैं, क्योंकि इसी की वजह से तो इंसानियत के अंदर एक्सट्रीमिज्म आ रही है और लोगों के अंदर फिरके बन रहे हैं. अब आप देखें ये चीज आज जो वेस्ट में मशहूर तरीन सिटकॉम्स हैं, यू नो आप ऑनलाइन चेक कर लें, आई वुड नॉट से कि यू गो एंड वॉच इट, बट आई एम जस्ट सेइंग यू गो एंड रीड अबाउट देम, फैमिली गाय, साउथ पार्क, सिम्पसन्स. अब ये ब्लेटेंटली दे मेक फन ऑफ नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अम्बिया, मज़ाहिब, इवन अल्लाह ताला, ब्लेटेंट. और मूवीज भी हैं लेकिन ये तो इनकी तो थीम ही है. और खतरनाक कहाँ से है कि देयर एनिमेशन कहा जाता है ये एडल्ट कॉमेडी है, यू नो, लेकिन मार्केट ऐसे किया जाता है, बड़े भी देख रहे हैं और क्योंकि एनिमेशन हैं तो इवन द किड्स आर वॉचिंग इट. और ये एक अटैक है ऑन द इंटायर फैमिली यूनिट, और लोग दे आर एक्चुअली अम्यूज्ड, अल्लाह माफ करे, अंबिया का मजाक उड़ता हुआ देख के, मजहब का मजाक उड़ता हुआ देख के. और आहिस्ता आहिस्ता वो जो इज्जत है और वो जो एहतराम है अंबिया का, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुरान पाक में जब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चैप्टर पढ़ते हैं और जब जादूगरों का वाकया आता है, तो आप देखें कि जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अदब शो किया, उन्होंने सिर्फ एक प्रोफेशनल अदब शो किया कि उन्होंने कहा अच्छा आपके बारे में भी नाउज़ बिल्लाह ये कहते हैं आप बहुत बड़े जादूगर हैं और यू नो हम भी सीखे हुए हैं. तो प्रोफेशनल अदब उन्होंने ये दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज नोन एज अ सादिक ओमीन पर्सन, जब तक आप छोड़ के नहीं गए थे ये इलाका. तो उन्होंने एक अदब शो किया और फिर अल्लाह ताला ने उस अदब रसूल पे, उस निस्बत पे उनको कहाँ से काम पहुंचा दिया. और आज जो है यू नो देयर इज दिस वेरी ब्लेटेंट अटैक ऑन द अंबिया. और हमारा दीन हमें सिखाता है, हमने सूरह बकरा की अब आखिरी दो आयात देखें तो हमारा दीन तो कंप्लीट ही नहीं होता कि अगर हम तमाम अम्बिया पे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये आयात जो है ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ पे जो तोहफे मिले मेराज के दौरान, सूरह फातिहा
और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, ये दिस इज द एसेंस ऑफ आर दीन, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहे। सब कहें कि हम कामिल अपने रब पर ईमान लाए, और अल्लाह पे ईमान लाना क्या है कि अल्लाह के मलाइका पर, व कुतुबिही व रुसुली ला नुफरिकु बैन अहद मिन रुसुली, हम किसी रसूल में फर्क नहीं करते हैं। हमारा दिल अगर दुखता है बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शान में गुस्ताखी करता है, ऐसे ही हमारा दिल ब्लीड करना चाहिए, वरना ये मुनाफ़िकत है। हमारा ईमान खतरे में, कि अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के किसी भी रसूल का अगर कोई नाउज़ बिला उनकी शान में गुस्ताखी करता है या मजाक करता है, या अल्लाह ताला कुरान पाक में हम पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, मिकाइल अलैहिस्सलाम से बोग्ज़ रखा, उनकी इज्जत तो नहीं की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो मेरा दुश्मन है, मैं खुद देख लूंगा उनसे निमट लूंगा। तो ये आज हम इन चीज़ों को इतना छोटा समझते हैं। हम इस आयत, हमारे कुरान पाक में सुबह शाम हम पढ़ते हैं सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, अल्लाह ताला फरमाते हैं एक में भी, मैं एक रसूल में भी फर्क नहीं करता। तो फिर हाउ कैन वी टॉलरेट कि हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हम सब जो मुस्लिम हैं, यू नो वी ऑल आर वन, यूनिटी है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इंसानियत सारी थी भी एक ही, लेकिन इन्होंने इख्तलाफात किए। और ये जो नबी की हस्ती है, ये आज सिर्फ मॉडर्न इंसान ये नहीं कह रहा कि नबी की हस्ती को निकाल लो अपनी जिंदगियों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे अंबिया के साथ ह्यूमैनिटी में ये जितने भी मुशरिकीन और काफिर हैं, ये हमेशा से जो शैतान के पीछे चलने वाले, क्योंकि शैतान की तो दुश्मनी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं हमने हर नबी का दुश्मन बनाया जिन और इंस शैतानों में से, यानी कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम का जो भी अंबिया में से किसी एक नबी या तमाम अंबिया या एक ग्रुप ऑफ अंबिया जो भी इनकी मुखालफत करता है, अल्लाह फरमा रहे हैं वो खुद शैतान जिन और इंस हैं, दे नॉट जस्ट द फॉलोअर्स ऑफ शयातीन, वो खुद शयातीन है, क्योंकि वो मेरे रसूल की तकजीब कर रहे हैं। सो ये तो हमेशा से हुआ है, और आज भी मॉडर्न इंसान यही कह रहा है कि देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इज नॉट इनाफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की तकमील पूरी करनी है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पे तो कह सकते हैं लोग के एक अल्लाह को तो हम सब मानते हैं, पर अब एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीद के साथ रसालत, क्यों? क्योंकि रसालत में अल किताब और साहिब किताब दोनों आते हैं, और किताब दीन है। सिर्फ अल्लाह को एक मानना काफी नहीं है, अल्लाह की मानना और अपने आप को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह का खलीफा बनाना, अल्लाह की चाहतों जैसा बनना, ये कैसे होगा जब हम कुरान पढ़ेंगे और साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलेंगे? सो